जम्मू कश्मीर के जो जिला में शनिवार रात तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि रविवार रात को पारा 25 डिग्री सेल्सियस और सोमवार रात को 29 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं श्रीनगर का तापमान पिछली रात 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया और हालांकि दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने के बाद भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी की चुभन महसूस नहीं हो रही है। ऐसा गंगा और सिंधु नदी बेसिन में बर्फ का स्तर कम होने की वजह से हो रहा है और इन इलाकों में स्नो कवर बीते 6 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। बता दें कि गंगा नदी बेसिन में तो ये पिछले साल की तुलना में 40% तक कम है तो वहीं सिंधु नदी बेसिन में 10-20% तक कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी के मौसम में भी बर्फ का स्तर घटता बढ़ता रहता है क्योंकि अमूमन हफ्ते में 1-2 बार बर्फबारी होती है और इस बार मॉनसून खत्म होने के बाद आए सभी पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी कमजोर थे जिसके चलते बर्फबारी कम हुई और स्नो कवर जितना बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ सका।